आज हमारे साथ healthysoch.com के स्टूडियो में हैं डॉक्टर टी एस क्लेर, जो कि PSRI हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। वो हमें बताएंगे कि इस बढ़ते लेवल पोल्यूशन से हम कैसे बचें। सर प्लीज़ हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हम बढ़ते लेवल पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं। First of all, I want to tell my viewers that there is no doubt that increasing levels of pollution, they are very harmful for the health of the society. As far as the side effects are concerned, the heart side effects, cardiovascular side effects are mainly because of 2.5 micron particle. Because the particles which are usually more than 5 microns, they are not absorbed, they are trapped into the lung by the lung parenchyma. Only the smaller particles, they are absorbed and they go into the system, which causes toxic effects. Now when we talk about the cardiovascular mortality increases because of the pollution, whatever we talk, though many people think it causes lung problem, no doubt. People have more upper respiratory catarrh, they have more bronchitis, but the mortality, 80% mortality increase is because of the cardiac side effects of the pollution. हमारे कंट्री में अब क्या हाल है कि तकरीबन सारे सिटीज़ जो हैं मेजर, उनमें बहुत पोल्यूशन है। दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ तक कि अप टू 500 और 600 जी AQI जिसको बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच जाता है। सो इट इज़ यूजली इधर डेंजरस और वेरी डेंजरस रेंज। और अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी सिटी में वर्ल्ड में, लंदन है, चाहे वो पिट्सबर्ग है, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को है, तो हमारा काफ़ी कंडीशन ख़राब है। एक्चुअली इतनी ख़राब है कि मैं कहूँगा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके रहने के लिए ये फिट नहीं है, हमारे लिए भी फिट नहीं है। तो इसके लिए हमें बहुत सीरियसली इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को चाहिए ये जो पोल्यूशन वाला मामला है ये अब एमरजेंसी है, ये तो इतनी एमरजेंसी है कि दे हैव टू टेक हार्ड डिसीजंस। अब पोल्यूशन जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तो डीजल गाड़ियों से होता है, डीजल गाड़ियों को बिल्कुल बैन करना चाहिए, दूसरी गाड़ियों को भी रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, टैक्सेशन बढ़ानी चाहिए, जोनिंग कर देनी चाहिए। अगर जैसे लंदन में जोनिंग होती है कि अगर आपने ABCD सब जोन में जाना है तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, सो दैट पीपल शुड बी एनकरेज टू यूज़ लेस एंड लेस व्हीकल्स। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें और मज़बूत करना है, मेट्रो और मज़बूत करना है। जो जैसे ये कहते हैं कि पंजाब में या हरियाणा में क्रॉप्स बर्निंग है तो दे शुड बी बैंड, इट इज़ एज सिंपल एज एनी थिंग, इफ दे नो दैट दे शुड बैन इट, एंड एनी बॉडी हु बर्न फाइन दम हैवीली। सो इट इज़ पॉसिबल टू डू, बट द गवर्नमेंट आई थिंक लैक्स पोलिटिकल विल टू डू दीज थिंग्स। जहाँ तक रेस्पिरेटरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा 10 माइक्रोन से होते हैं, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी बहुत कॉमन है। एवरी सेकंड थर्ड पर्सन दिल्ली में देखो वो खांसी कर रहा है। सो पोल्यूशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन गया है, इसलिए हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। थैंक यू।